Good morning, students. Welcome to your English online lecture of Standard First. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English in your online lecture. Students, today. From our English Balbharti textbook, we are going to learn the poem Unit 7, poem number 4, This That. So, students, open your English Balbharti textbook. Students, have you all opened your English? बाल भारती टेक्स्ट बुक लेटेस्ट बिगिन विद अ पोएम दिस दैट स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर नाइन स्टूडेंट्स आई रिपीट इट अगेन ओपन योर पेज नंबर सिक्स नाइन सिक्सटी नाइन बच्चों आपके इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर सिक्सटी नाइन ओपन करना है आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम ये पोएम पोयम नंबर फोर यूनिट सेवन में से दिस दैट पढ़ने वाले हैं पोइम का नाम है दिस दैट सो स्टूडेंट्स जस्ट ओपन योर पेज नंबर सिक्सटी नाइन एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस पोएम This, that. Unit 7, poem number 4, this, that. Students, in today's poem, this, that, we are going to learn this and that. Now, this is a grammar topic which they have given us. एंड मेड अस वेरी ईजी एंड सिंपल इन अ पोएम फॉर्मैट बच्चों दिस और दैट ये आपका ग्रामर का एक टॉपिक है जो टेक्स्ट बुक में आपको एज अ पोएम बहुत ही ईजी और समझने के लिए बहुत ही आसान बना कर इस पोएम में दिया है जिससे कि आपको टी एच आई एस दिस और टी एच ए टी दैट ये दोनों का मतलब आसानी से समझें सो स्टूडेंट्स इन दिस पोएम द मेन एम इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट इस पोएम में हमें यही सीखना है कि हम दिस कब यूज़ करेंगे और टी एच ए टी दैट कब यूज़ करेंगे सो स्टूडेंट्स पोएम स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये दोनों का मतलब समझाऊँगी तब हम पोएम हमारी स्टार्ट करेंगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट इन अ वेरी सिंपल शॉर्ट मीनिंग विद द एग्जाम्पल ओके सो दैट The concept will be easily understand by you. So, you can see the picture. Th I, is this, and you can see the picture in th. It, that. Now, students in the this, in the first picture. What can you see? You can see a notebook, a pencil, and a spoon. There are three things. द फर्स्ट इज द नोटबुक सेकेंड इज द पेंसिल एंड थर्ड इज द स्पून यस ओ नो येस सो वाई एंड हाउ इट इज कॉल्ड दिस बच्चों अब आप सोचते रहेंगे टी एच आई एस दिस इसे कैसे कहा है टी एच आई एस दिस इसीलिए कहा है क्योंकि आप ये फर्स्ट पिक्चर में देखो नोटबुक पेंसिल और चम्मच जो है एक दूसरे से बहुत नज़दीक है जो चीज़ें एक दूसरे से नज़दीक होती है द थिंग्स विच आर नियर टू ईच अदर वी यूज़ दिस द थिंग्स विच आर नियर टू ईच अदर वी यूज़ टी एच आई एस दिस जो चीज़ें नज़दीक होती है एक दूसरे से हम उस चीज़ों में टी एच आई एस दिस लिखेंगे अब आप देखो सेकेंड पिक्चर नाउ यू सी द सेकेंड पिक्चर वॉट कैन यू सी इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अ सन अ मून अ ट्री अ क्लाउड यस और नो यस आउट ऑफ द विंडो यू कैन सी अ सन अ मून अ क्लाउड एंड अ ट्री बच्चों आप सेकंड पिक्चर में देखो आपको विंडो यानी खिड़की में से कौन कौन से पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको सन दिख रहा है येलो कलर का ट्री दिख रही है ग्रीन कलर की और मून दिख रहा है और क्लाउड्स तो ये सारे चीज़ें बहुत दूर है ये सोनो स्टूडेंट्स जब आप विंडो में से देखोगे ये चीज़ों को तो ये चीज़ें बहुत दूर है इसीलिए जो चीज़ें दूर होती है तभी हम टी एच ए टी दैट का इस्तेमाल करते हैं द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम आस वी यूज टी एच ए टी दैट गॉट द कंसेप्ट स्टूडेंट्स लेट मी मेक इट मोर ईजी बच्चों अब आपको मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया है दिस और दैट का टी एच आई एस दिस अब यहाँ पर मैंने लिखा है वी यूज़ दिस फोर थिंग्स विच आर नीयर आप पहले पिक्चर में देखो टी एच आई एस दिस हम दिस कब इस्तेमाल करते हैं टी एच आई एस दिस जब चीज़ें नज़दीक होती है तो हम टी एच आई एस दिस का इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ दिस फोर थिंग्स विच आर नीयर नियर, नियर यानि नज़दीक दैट अब नीचे सेकेंड पिक्चर में देखो विंडो के पिक्चर में टी एच ए टी दैट हम दैट का इस्तेमाल कब करते हैं वी यूज दैट फॉर थिंग्स विच आर फार हम दैट का इस्तेमाल तब करते हैं जब चीज़ें हमसे दूर होती है फार वी यूज दैट फॉर थिंग्स विच आर फार ओके स्टूडेंट्स सो आई होप दैट दिस एंड दैट इज़ अंडरस्टूड बाई यू तो बच्चों आपको दिस और दैट का मतलब समझा होगा दिस नियर के लिए नज़दीक जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज़ होता है और दैट जो चीज़ें दूर होती है उनके लिए यूज़ होता है अब हम हमारे पोएम दिस दैट को पढ़ने वाले हैं Page number 69, poem number four, this that. So, students, you are going to listen the poem very carefully and you are going to repeat the poem along with me. Okay? So you have to buy heart this poem. So everyone will repeat this poem along with me. लेसन एंड रिपीट दिस इज़ नीयर मी एंड दैट इज़ फार ना स्टूडेंट्स इन द फस्ट लाइन दिस इज़ नियर मी दिस का मतलब दिस हमसे नज़दीक है नीयर मी एंड दैट इज़ फार और दैट हम से दूर है यानी फार तो दिस नज़दीक को कहते हैं और दैट दूर को दिस इज़ माई फिंगर एंड दैट इज़ द स्टार अब आपको दिस और दैट को एग्ज़म्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है इस पोएम में कहा है दिस इज़ माई फिंगर ये मेरी उंगलियाँ है उंगलियाँ हमसे बहुत नज़दीक है हमारे बॉडी में ही फिंगर्स होते हैं ये सो नो तो फिंगर हमसे नज़दीक है एंड दैट इज़ द स्टार और स्टार हमसे बहुत दूर है ओके okay, अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ दिस इज़ माई स्पून ये मेरा चम्मच है एंड दैट इज़ द मून चम्मच मेरे हाथों में है जो मेरे नज़दीक है एंड दैट इज़ द मून और मून बहुत दूर है यानि मेरे से बहुत लंबा है दूर है फार है okay you can see the concept of this and that they have given the example this is my spoon so spoon is very near to me and that is the moon and moon is very far to me moon is in the sky yes or no yes now the next example this is my bun and that is the sun next example here this is my bun ये मेरा बन है बन यानी बन किसे कहते हैं जो ब्रेड का पाव होता है उसे कहते हैं बन बी यू एन बन बच्चों जो पाव जिसे ब्रेड से आप जिसे पाव कहते हैं इन हिंदी ब्रेड से जो बनता है उसे बी यू एन बन कहते हैं तो दिस इज़ माई बन ये मेरा बन है एंड दैट इज़ द सन और वो सन है तो दैट इज़ द सन सन इज़ फार टू मी एंड वन इज़ क्लोज टू बी नीयर टू मी नेक्स्ट वन समर वी से दिस जब चीज़ें हमसे नज़दीक होती है तब हम टी एच आई एज दिस कहते हैं वैन समथिंग इज़ फार वी पॉइंट आउट दैट जब चीज़ें हमसे दूर होती है हम उसे दैट कहते हैं ओके अंडरस्टूड द पोएम दिस एंड दैट देयर आर एग्जांपल्स गिवन इन दिस पोएम टू यू तो बच्चों इस पोएम में आपको एग्जांपल्स दिए हैं लेटस रिपीट एंड सिंग द पोएम ट्वाइस नाउ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू सिंग द पोएम अलोंग विथ मी बच्चों अब आप मेरे साथ इस पोएम को रिपीट करके सिंग करोगे Poem number four This, that. This is near me, and that is far. This is my finger, and that is the star. This is my spoon, and that is the moon. This is my bun, and that is the sun. When something is near, we say this. When something is far, we point out that. So are you all getting the poem? Again, one more time, let me repeat, this is near me and that is far. This is my finger and that is the star. This is my spoon. And that is the moon. This is my bun, and that is the sun. When something is near, we say this. When something is far, we point out that. You are going to learn this poem, and you are going to write the poem one time in your English notebook. Understood, students? ना लेट सी सम क्वेश्चन गिवेन बिलो फेल इन विद दिस और दैट क्वेश्चन नंबर टू बच्चों अब आपको पेंसिल कैरी करना है आपको आंसर आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है क्वेश्चन नंबर टू में दिस और दैट तो आप पेंसिल कैरी करो और मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर टू फिल इन विद दिस और दैट डैश इज़ अ बुक फर्स्ट है डैश इज़ अ बुक तो आपको वहाँ पर लिखना है दिस इज़ अ बुक आप नीचे देखो बुक नज़दीक है तो हम यूज़ करेंगे टी एच आइ एस दिस द बुक इज़ नियर द नेक्स्ट वन डैश इज़ अ पेंसिल अगेन पेंसिल इज ऑल्सो नियर सो वी आर गोइंग टू यूज़ टी एच आई एस दिस सेकेंड में भी लिखेंगे टी एच आई एज दिस थर्ड इज डैश इज अ स्पून थर्ड वन है डैश इज अ स्पून स्पून इज ऑल्सो नियर सो वी आर गोइंग टू यूज टी एच आई एज दिस राइट टी एच आई एज दिस ओके इन ऑल द थ्री फिलअप्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी डैश इज अ ट्री दैट इज़ अ ट्री tree is very far as from the window you can see the tree is very far so you are going to write th THAT, that the next is that dash is the sun that is the sun sun is also very far from us we cannot touch and see we can see from very far we can see but we cannot touch it as it is in the sky so that is the sun you are going to use? THAT, that and the last one is dash is the moon again. Moon is is also in the sky, we cannot touch it, only we can see it from our house or from a window. THAT, that so, in the right, in the left hand side, you are going to write. Thi is this in the right hand side you are going to write thot that so i hope that you have understood this poem this that write the poem in your english notebook and also write the fill in with this or that question number 2 in your english notebook i hope so you have understood the poem very well learn this poem and Practice at your home. Stay connected for the next English online lecture. Till then, stay safe, stay home.